हाँ, तो अभी हम लोग का देखो ग्रीन GCG मंगाए हैं। ये आइए बस, ये आओ तुम लोग भी खाना। खाने के बाद पार्सल भी थी पार्सल भी थी तुम लोगों को। बेशरम लोग दावतों पे आए। सबा थैंक यू सो मच इतनी अच्छी दावत देने के लिए हम लोग को। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो आज है day 3 ईद का। सो आप सबको day 3 मुबारक। सो आज हम लोग को दावत आई है दानिश के ससुराल से, मतलब मेरे मायके से। सो दानिश के लिए खास करके मम्मी ने ईद के दिन ही, जब मेरा बकरा कुर्बानी हुई थी बकरे की, सो वो टाइम पे ही दानिश ने बोल दी थी मुझे खीमा करके मेरे लिए रखना, जब भी मेरा मन करेगा तब मैं खाऊंगा। सो आज मम्मी ने खुद सामने से ही बोले कि आज मैं बना रही हूँ तुम लोग के लिए कुछ खास। सो आज देखते हैं क्या वहाँ पर पार्टी होने वाली है। लोग की सब्बा बोले कि आना पार्टी है, सो हम लोगों ने सबको दावतें भी दे दिए हैं। तो मम्मी ने आदम फरा को भी बुलाया है और हम लोग भी आएंगे, सब दोस्त लोग मिल के पार्टी करेंगे, क्योंकि करे नहीं थे मतलब बकरा ईद में खास करके, तो वो सब सेकने वेकने का भी रहता है, तो वो भी हम लोग को करना था, बट हम लोग के इतना स्पेस नहीं थी तो वहाँ नहीं कर पाए। टेरिस है बट टेरिस पे भी इतना करेगी कि नहीं करेगी आइडिया नहीं, चलो वहाँ जाके ही बात करते हैं वो सब चीज़ों की। तो मम्मी ने खीमे का कुछ बनाया है दानिश के लिए, कबाब वबाब XYZ जो दानिश को पसंद रहती है। ऐसा तो 8 दिन वो बाहर का ही खाते रहते हैं, तो मम्मी बोले कि मैं क्यों ना मेरे दामाद को बना के दूँ। सब बेटी की कोई इज्जत नहीं है, दामाद की इज्जत है ना, आराम फरमा रहे। सो चलो जाते हैं वहाँ पर और देखते हैं क्या क्या रेडी हुआ है हम लोग के लिए। सो बहुत मज़ा आने वाली है। सो आप लोग के घर में होता है ऐसा कि नहीं, तीनों ईद जोरदार बनती है, पूरा महीना भी जोरदार होता है, सब गोश्त जमा रह रह के। आप लोग क्या फ्रिज में जमा है कि नहीं ये बताना मुझे कॉमेंट करके, और ये सब बना के खाते हो कि नहीं। सो मैं मम्मी से पूछ के इंशाल्लाह आप लोग को रेसिपी भी दूंगी, क्या बना रहे हैं वो क्या नहीं, वो सब आगे से आके मालूम पड़ेगा क्या क्या, क्योंकि मुझे भी कोई आइडिया नहीं कि क्या बन रहा होता है क्या नहीं। सो अभी हम लोग सब बैठ गए हैं। औरत को घुसाएंगे घर में? मेरे का बना हुआ मतलब ये किसको भी आपको वेलकम कर सकेंगे। दो साल बड़ी है तो आदम का क्या? ओ भाई, हाँ तो बड़ा भाई क्या है भाई जान। सो गाइस हम लोग आ गए हैं घर पर, और अभी अब्बा से पूछते हैं कि अब्बा हम लोग आज क्या पार्टी दे रहे हैं, हम लोग को दावत पे क्यों बुलाए हम लोग को और दूसरे कपल को। आदम और फरा भी आ गए हैं, तो अब्बा से पूछते हैं क्या क्या मंगाया ना रहे हो, मालूम पड़ा कुछ दे रहे हैं। हाँ अब्बा की डायलॉग है, अब्बा को भी कितना दावत पे बुलाते ना, तो अब्बा सुबह से कुछ खाते नहीं, डायरेक्ट रात में खाते हैं उनका पेट दिख के, सुबह से कुछ नहीं खाते। क्या बोले क्या अच्छा चलो बताओ क्या दावत दी हम लोग को, किसको? मेरे दामाद को। दामाद ने तो पहले से बोल के रखा है खीमा वीमा है ना अम्मी। ये बकरा कितना सीधा है, क्या चाहिए बोल, क्या चाहिए बोल। अब्बा हम लोग खुश मत हो, तो अब्बा नीचे करते कुछ काम से, इसके लिए मैंने व्लॉग रोक दी थी, तो हम लोग ने अभी कुछ प्लानिंग करे। अब्बा ने एकदम दिल से बोले दामाद क्या खा रहे, तो दामाद की फरमाइश है। रुक जा एक मिनट, रुको तुमको इतना खुश हो रहा है, क्या रुक जा, चलो चलो पूछो वापिस पूछो। अब्बा अंकल मेरे दावत में क्या खिला रहे हो? जो तू बोलेगा। चिकन को नहीं, 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 नहीं
कल तो अपन बारबी क्यू करेंगे, कल बारबी क्यू, आज ढाबा, आज सैटरडे। तुम तो बोले अभी बोल के, अभी बोले ना इनने कि दामाद जो बोलेगा वो। नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, कार में, हाँ हम लोग पीछे आ जाएंगे। हाँ चलो गाइस, हो गया आप लोग का प्लान, अब्बा को बकरा बना दिए, बकरा दूसरा बकरा है, बड़ा लग, 200 किलो का बकरा। हाँ चलो बेचारा सपने में आ गया, उसको ढाबे का मना बोले तो। चलो अपने अपने घर पे चलो, अब्बा लेके चले, 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 चले। गाइस अंकल वो अंकल पैसा नहीं निकाल रहे, हम जा रहे हमारे घर पे। हाँ, चलो अब्बा ने दावत बोल के कुछ लेके तो जा रहे नहीं, ऐसा ऊंचा बन गया, लेकिन मैं दामाद जो बोलेगा मैं खिलाऊंगा। नहीं नहीं तुमने बनाया क्या, तुमने बनाया क्या? अरे लोग हंसेंगे गाइस, कुछ नहीं बनाया, सिर्फ कबाब बनाए बोले, पहले स्टार्टर का भी ढाबा चलो, ऐसा इनने बोले। हां भाई इनने बोले, ठीक है चलो, इन्होंने बनाए होंगे तो लोग पूछते हैं क्योंकि देखो क्या खाना। हां सही बात है, हां तो फिर क्यों पूछा हम लोग, है ना, लोग हंसेंगे, इतना खाने का है ढाबा जो घर का गोश्त नहीं खा रहे बाहर का खा रहे। सो गाइस फाइनली अब्बा मान गए हैं ढाबे के लिए, और हम लोगों को खर्चा करके थोड़ा खर्चा करके मजा आ रहा है, क्योंकि दावत है तो दावत बाहर खाने ही मजा आती है। तो मम्मी के कबाब है तो वो हम लोग कबाब जब मम्मी ने शामी कबाब बनाए थे तो वो हम लोग कल खा लेंगे, क्योंकि कल हम लोग कुछ और करने वाले हैं इंशाल्लाह से, प्लानिंग तो है करने की। सो अभी हम लोग जा रहे हैं सब अपने अपने घर पर, मैं तो नहीं जा रही हूँ, फरा और आदम जा रहे हैं अपने घर पर रेडी होने के लिए। सो आधे घंटे में हम लोग निकलेंगे, और मम्मी और हम लोग ने हमारी कार में नहीं जा रहे क्योंकि हमारी कार 4 सीटर है, 5 सीटर है, तो हम लोग है 6 सीटर, तो एक जन की जगह कम पड़ती है, उसकी वजह से हम लोग करना पड़ रहा है दूसरे की कार। सो हम लोग वो रेंट पे लेके जा रहे हैं। सो अभी मिलते हैं डायरेक्ट आगे आप लोग को। क्या बोली ना अब्बा, कहाँ लेके जा रहे, झूठे तो अब्बा लेके जा रहे हैं, ये फाइनली मजा आएगी। चलो हाँ हाँ, इतना मस्का मनना पड़ा तुम्हारे को, देखो क्या बोल रहे, घंटा गया। सो गाइस हम लोग रेडी वेडी होके कार में से बैठ के आ गए हैं ढाबा, क्योंकि मैंने व्लॉग नहीं बनाई, डायरेक्ट मैं इधर आके व्लॉग बना ली। सो अभी हम लोग दे रहे हैं ऑर्डर खाने का, सो अब्बा यहाँ पर बहुत चालाकी से ऑर्डर दे रहे हैं। मैं बोली कि 2 चने मंगाओ, 2 में 4 करते, तो बोलते नहीं 1 में 4 कर पेट भर जाता है, 1 में 4 रहे, 1 में 2 सॉरी, 1 में 2 कर लो, तो इतने कंजूस बने कर रहे। मैंने इनका पहली बार ऐसा रुबाब देखा कंजूस बने का, क्या खाते नहीं हो, इतना बचा के भी कोई पार्सल ले आता तो घर पे तो खाते ना, अगले दिन का पैसा बचता है ना। पापड़ तो डबल डबल ही मंगाओगे तुम, पापड़ तो उसने बोला, बोले अरे भाई 6 टुकड़े तो पीछे पिज्जा जैसे, अब ऐसी कंजूसी नहीं करो यार, खाना जितना मंगा खा। हाँ चने मालूम नहीं खाए, अच्छा खाए जाते हैं हम लोग, हम लोग सुनना पड़ता है। अच्छा चलो दोनों तो डिसाइडिंग कर, क्या कर रहे, आता है क्या तुम लोग को, देखो ना खाना ढूंढ रहे, फोटो दिख रही क्या तुम लोग को, मम्मी बोलते स्टार्टर थे कौन सा अच्छा है, ये फोटो थोड़ी लगी हुई जो अच्छा है गंदा है मालूम पड़ेगा। तो अभी हम लोग रुको रुको स्टॉप स्टॉप, तो अभी हम लोग ने मलाई चिकन का सोच ली है, तो दूसरा कुछ स्टार्टर सोच रहे क्या मंगाना है। अभी चिकन चिल्ली घर में भी खाते हो यार, हाँ बेचारा आदम से तो पूछो ये क्या खाएगा, आदम बेचारा जो बोले वो खाएंगे, चिकन लंबा लंबा, ये लंबा लंबा दिख रहा नहीं है। सो गाइस स्टार्ट, हम लोग का मतलब चना लहसुन आ गया था तो वो खा के खत्म भी हो चुका है, और अभी खा रहे हैं हम लोग ग्रीन जीसीजी मंगाई, ए जीसीजी मंगाई मैंने, जीसीजी और मंगाई मलाई चिकन। सो अभी मेरा ये देखो ना चेहरा भी माशाल्लाह ग्लो रहा, क्यों पता है, मतलब मैंने इयररिंग्स पहनी, मंगेली क्या अब्बा ने जो दिया वो तोड़ टूट गई है, नहीं मम्मी की है, तो इसलिए तो पहनती इयर रिंग्स तो गाल भरे भरे लग रहे हैं, अभी ये उतार दोगे एकदम ही वैसा हो जाता है।
हाँ, तो अभी हम लोग का देखो ग्रीन GCG मंगाए है और बच गया, ये बच गया, आओ तुम लोग भी खाना। भाई रहने दो, फैन बंद कर, फैन बंद है ना। हाँ बंद बन जा। सो यहाँ पर टेबल पे इतना खा लिए कि इतना गंदा कर डाले टेबल को, इतना कितनी जगह है तुम लोग के पेटों में। खाने के बाद पार्सल भी चाहिए मेरे को, पार्सल भी चाहिए तुम लोग को, बेशरम लोग, दावा तो पे आए। यही साइड पे हाथ जाएगा। नहीं एक बात ऐसा क्या कि हम लोग मस्तम आए थे ना, ये समझो वो सूप आया मुँह में, क्या कर रहा है पहले नहीं छोड़ा, नहीं शर्मिंदा क्या चलते मैं सूंगा खुदा। तो ये रहा मम्मी का बोलना, ये लोग दोनों बोल रहे हैं कि हम लोग खाए तो ही पार्सल भी लेके जाएंगे, इंसान दावत तो पता तो शर्म शर्म के खाता है, बेशरम बन के खा रहे की थैली भी लेके आए। हाँ काल आया कैसे लोग, मालूम है हमारे अंकल का दिल बहुत पड़ा है। अंकल बोलना कुछ भी हो बट मैं मेरी एक खिचड़ी लेके जाऊंगी पार्सल में। आदम बोल अंकल, हमें आपको यहाँ पर नहीं खा रहे ना, दाल खिचड़ी खा रहे हो, हाँ तो अपन घर पे खाएंगे, ले लो पार्सल अंकल। भी ले गया। चलो गैस करो कितना आएगा बिल। सो हम लोग ने स्टार्टर और चना लहसुन और मंगाए थे क्योंकि उसमें हम लोग का पेट भर जाता, दाल खिचड़ी मंगाने वाले बट कोई खाता नहीं, मैं और मम्मी खाते थे। फरा खाते हो तुम दाल खिचड़ी कभी कभार? है पेट में जगह है अभी? ऐसा कुछ नहीं, थोड़ी है पेट में जगह अभी नहीं है, किसी खाती है अंकल के मैं पेट इतना सा है ना, इतनी जगह है अभी, तो पार्सल लेके जा रहे हैं, पार्सल लेके जा रहे हैं, जगह जिसकी वजह मालूम है जगह, पेट जा रहा है, पार्सल लेके जा रहे हैं, क्रीम देगा ना, क्रीम देगा तो अंदर ठंडक मिलेगा। आहिस्ते आहिस्ते से चिल्ला रहे हैं जंगलियों को, मेरा ये चूसना सर। चलो चलो एंड एंड एंड, अभी डिसाइड करते हैं बिल कितना होने वाला है, ठंडक मिलेगी अगले और खा। अरे चलो बिल डिसाइड करो कितना आएगा, ढाई। हम लोग का कुछ है ही नहीं, तुम लोग ने दावत दी है, हारे जीते कुछ भी हो। जो इसका सही आया ना बिल देगा। नहीं 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 बोले भल्ती 5-6 हजार की। चलो अपन उतर जाते नीचे, चलो मैं डिसाइड कर लो तुम लोग। सो गाइस चलो अभी बिल का लोगों ने डिसाइड कर ली है, तो अप्पा ही बिल भरने वाले वैसे मैं तो बोलता हूँ। सो इसके लिए गैस करते, चलो मेरा गैस है 2000 रूपए, मेरा गैस है 2600। रुको रुको रुको, चलो क्या आप बतवा गए थे 2800। हाँ चलो तुम्हारा फरा 2500। भाई तुम्हारा कितना आएगा बिल? 2000। हमें तुम्हारा एक और देख चुड़ैल को, ये कितने गंदे लग रहे हो मम्मी यार। मम्मी बोलो 2601। वाह मैं 2602। चलो कितना आएगा, रुको भैया मंगाओ सारी बिल। सो गाइस बिल आ चुका है और बिल है 2608। आंटी नजदीक है, आंटी बिल भरेंगे, बात खत्म। तो मम्मी तुम विनर हो चुके हो, अब्बा ने बिल दे के आ गए है 2600। कितना आया 2600? तो वैसे ही मम्मी अब्बा ही भरने वाले थे वैसे भी, हम लोग सिर्फ ट्राई ले रहे थे। गैस कैसा है सबका? यस चलो 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 चलो। सो गाइस हम लोग निकल गए हैं ढाबे से, अभी जा रहे हैं घर पर, सो मिलते हैं आप लोग को डायरेक्टली घर पर। सब्बा थैंक यू सो मच इतनी अच्छी दावत देने के लिए हम लोग को, पार्टी दे दिया हो गया तो बराबर। अब चिंगम का ही मेरे से छुट्टा नहीं, हम लोग गूगल पे वाले लोग हैं, हम लोग कैश नहीं रखते इसके लिए। तो मम्मी थैंक यू सो मच, नो वेलकम, पैसा गया गया। को बोलना चाहिए कि तुम लोग हमारे साथ आए। अच्छा अच्छा थैंक यू, वो तो हम लोग ने फोर्स की तुम लोग को आने, लेकिन दिल तुम लोग नहीं आ रहे थे। सो गाइज हम लोग आ गए हैं घर पर और मैं यही व्लॉग एंड कर रही हूँ, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। सो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।